हेलो बच्चों, कैसे हो? बढ़िया, आप बढ़िया तो मैं भी बढ़िया। तो देखो बच्चों, आज हमें क्या पढ़ाई करनी है। आज है बेटे हमारे पास क्लास 12th का यूनिट नंबर 12 का वीडियो नंबर 14। तो बेटे ये 12वीं यूनिट का 14वां वीडियो है, और इससे पहले 13 वीडियो आपको प्लेलिस्ट में भी मिल जाएंगे, नीचे बेटे डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएंगे, और कुछ समय बाद आई बटन में भी लिंक आ जाएगा, जहां आप यूनिट नंबर 12 को पूरा पढ़ सकते हो और अपने सुंदर से नोट बना सकते हो, जो एग्जाम में आपकी बहुत ज्यादा हेल्प करेंगे। ठीक है बेटा, तो देखते हैं आज का हमारा टारगेट क्या है। आज का हमारा टारगेट है बेटे यूनिट नंबर 12 के एनसीईआरटी उदाहरण। तो हमारी जो यूनिट नंबर 12 है उसके एनसीईआरटी की बुक के उदाहरण आज हम सॉल्व करेंगे। ठीक है बेटे, तो चलो बच्चों जल्दी से आज की पढ़ाई शुरू करते हैं। तो बेटे आज हमें करने हैं यूनिट नंबर 12 के एनसीईआरटी के उदाहरण। ठीक है बेटे, ध्यान से देखेंगे सब बच्चे। सबसे पहले हम लिखते हैं ऊपर यूनिट नंबर 12 एनसीईआरटी के उदाहरण। एनसीईआरटी उदाहरण, ठीक है बेटे, यूनिट नंबर 12 के एनसीईआरटी के उदाहरण आज हमें हल करने हैं। ध्यान से देखेंगे सब बच्चे। बिल्कुल, देखो उदाहरण नंबर 1 देखते हैं क्या है। उदाहरण नंबर 1, उदाहरण एक में दिया है निम्नलिखित रूपांतरणों के लिए आवश्यक अभिकर्मक का नाम बताइए। निम्न रूपांतरणों के लिए आवश्यक, निम्न रूपांतरणों के लिए आवश्यक अभिकर्मक, आवश्यक अभिकर्मक का नाम बताइए। ठीक है बेटे, कौन कौन से रूपांतरण हैं उसके बारे में बात करेंगे। नंबर 1 पे इन्होंने दिया है बेटे, बिल्कुल ध्यान से देखेंगे। नंबर 1 पे दिया है हेक्सेन वन ऑल से हेक्सेनल, हेक्सेन वन ऑल से हेक्सेनल, हेक्सेनल, हेक्सेनल माने 6 कार्बन वाला एल्डिहाइड। देखो 6 कार्बन पे पहले कार्बन पे OH है, देखो ध्यान से, 1, 2, 3, 4, 5 और 6 कार्बन, और पहले नंबर पे क्या जुड़ा हुआ है? OH। तो ये है हेक्सेन वन ऑल। देखो 1, 2, 3, 4, 5, 6 हेक्सेन, और पहले ही कार्बन पे क्या है? OH है। तो हेक्सेन वन ऑल से बनाना है हमें हेक्सेनल। क्या बनाना है बेटे? हेक्सेनल बनाना है, यानी 1, 2, 3, 4, 5 और 6। छठे नंबर पे मैं एल्डिहाइड लिखूंगा क्योंकि एल्केनल है ना ये। देखो 1, 2, 3, 4, 5, 6 ये बन गया हेक्सेनल। तो आपको यहाँ एक बात स्पष्ट रूप से नजर आ रही होगी कि हमारा जो एल्कोहल है ये CH2OH, एल्कोहल को हमने बदल दिया है एल्डिहाइड में। एल्कोहल को किसमें बदल दिया है? एल्डिहाइड में। तो आपको एक बात स्पष्ट रूप से समझ में आ रही होगी कि एल्कोहल एल्डिहाइड में कब बदलता है? जब हम करते हैं एल्कोहल का ऑक्सीडेशन, ऑक्सीकरण करते हैं। अब बेटे ऑक्सीकारक तो कई तरह के होते हैं, कुछ तो होते हैं प्रबल ऑक्सीकारक जैसे K2Cr2O7+H2SO4, जैसे अम्लीय KMnO4 या क्षारीय KMnO4। तो जो प्रबल ऑक्सीकारक होते हैं
एल्कोहल का ऑक्सीडेशन एल्डिहाइड में तो करते ही हैं, पर तुरंत ही एल्डिहाइड का ऑक्सीडेशन कार्बोक्सिलिक एसिड में भी कर देते हैं। ठीक है बेटे, यदि आप इस पर्टिकुलर रिएक्शन में किसी स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का प्रयोग करोगे, किसी प्रबल ऑक्सीकारक का प्रयोग करोगे, तो एल्कोहल केवल एल्डिहाइड तक ही ऑक्सीडाइज नहीं होगा, अपितु ये कार्बोक्सिलिक एसिड तक ऑक्सीडाइज हो जाएगा। तो हमें यहाँ एक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का प्रयोग तो करना है, पर वो स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट नहीं होना चाहिए, वो होना चाहिए माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट या वीक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। तो एक दुर्बल आरसी कारक का हमें प्रयोग करना है, जैसे आप प्रयोग कर सकते हो पीसीसी। क्या प्रयोग कर सकते हो? पीसीसी। पीसीसी का नाम मैंने आपको पहले भी बताया था, पिरिडिनियम क्लोरोक्रोमेट। ठीक है बेटे, क्या नाम होता है? पिरिडिनियम क्लोरोक्रोमेट। तो पहले क्वेश्चन का यानी पहले पार्ट ने हमें पूछा था कि हेक्सेन वन ऑल से हेक्सेनल बनाना है तो कौन सा अभिकर्मक का प्रयोग हम करेंगे, तो उत्तर हमारा है पीसीसी, पिरिडिनियम क्लोरोक्रोमेट का हम प्रयोग करेंगे, जो एक दुर्बल ऑक्सीकारक है। ठीक है बेटे, यहाँ किसी प्रबल ऑक्सीकारक को नहीं लिखना है, आपको पता है एल्कोहल का ऑक्सीडेशन K2Cr2O7+H2SO4 से भी हो जाएगा, एल्कोहल का ऑक्सीडेशन एसिडिक KMnO4, बेसिक KMnO4 से भी हो जाएगा, पर वो केवल एल्डिहाइड तक नहीं होगा, वो कार्बोक्सिलिक एसिड तक होगा फिर ऑक्सीडेशन, और हमें तो सिर्फ एल्डिहाइड ही बनाना है, इसलिए हमें दुर्बल ऑक्सीकारक का यहाँ प्रयोग करना पड़ेगा, जो मैंने लिखा है पीसीसी, पिरिडिनियम क्लोरोक्रोमेट। अब आ जाते हैं नंबर सेकेंड पर, साइक्लोहेक्सेनॉल से साइक्लोहेक्सेनॉन, साइक्लो हेक्सेनॉल, ये भी अल्कोहल है, इससे बनाना है हमें साइक्लो हेक्सेनॉन। अल्कोहल से कीटोन बनाना है। देखो कैसे, ये हमारे पास है साइक्लो हेक्साइल ग्रुप और इसके ऊपर जुड़ा हुआ है OH, ये है साइक्लो हेक्सेनॉल, और इससे बनाना है हमें क्या बनाना है बेटे, साइक्लो हेक्सेनोन, यानी यहाँ डबल बॉन्ड लगा के ओ, कीटोन। तो इसमें भी क्या है, एल्कोहल का जब आप ऑक्सीडेशन करते हो या तो एल्डिहाइड बनता है या कीटोन बनता है, तो यहाँ एल्कोहल के ऑक्सीडेशन से क्या बना है, कीटोन बना है हमारे पास, तो इसमें भी हमें ऑक्सीडेशन करना है, तो किसी ऑक्सीकारक का प्रयोग करेंगे, और ऑक्सीकारक का जो प्रयोग करेंगे वो है CrO3। ठीक है, निर्जल होना चाहिए, निर्जल एनहाइड्रस, निर्जल CrO3, ये भी एक ऑक्सीकारक है, पर ये कोई प्रबल ऑक्सीकारक नहीं है और इतना दुर्बल ऑक्सीकारक भी नहीं है, इससे थोड़ा प्रबल ऑक्सीकारक है, और जो आपके K2Cr2O7+H2SO4 और एसिडिक KMnO4, बेसिक KMnO4 जो होते हैं उनसे दुर्बल ऑक्सीकारक है, और इससे भी दुर्बल ये है। ठीक है बेटे, तो यहाँ आप इस्तेमाल करोगे निर्जल CrO3। अब आ जाते हैं हम नंबर तीन पर, निर्जल पैराफ्लोरोटोलुइन से पैरा फ्लोरो टोलुइन से पैराफ्लोरोटोलुइन से पैराफ्लोरो बेंजल डिहाइड, पैरा फ्लोरो बेंजल डिहाइड, ये बनाना है हमें, पैरा फ्लोरो टोलुइन से पैरा फ्लोरो बेंजल डिहाइड। देखो ये बेंजीन रिंग है, टोलुइन है, लिख दिया CH3, और ऑर्थोमेटा पैरा, पैरा पे है फ्लोरो, ये तो हो गया पैरा फ्लोरो टोलुइन, और इससे हमें बनाना है, क्या बनाना है बेटे, पैरा पे तो फ्लोरो है और बेंजल डिहाइड यानी COOH, तो आपको जो एल्काइल ग्रुप है, मिथाइल ग्रुप है, उसे किसमें बदलना है, एल्डिहाइड है बेटे, एल्डिहाइड, एल्डिहाइड है, तो देखो पैरा फ्लोरो बेंजल डिहाइड, तो CHO ही तो लिखूंगा बेंजल डिहाइड के लिए,
तो हमें यहाँ भी क्या करना पड़ेगा, एक दुर्बल आपसी कारक का प्रयोग ही करना पड़ेगा। आप यहाँ CrO3 का ही प्रयोग करोगे। किसका प्रयोग करोगे? CrO3 का। यदि आप किसी स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का प्रयोग करोगे तो ये तो फिर COOH आ जाएगा, जो मैंने अभी लिख दिया था गलती से। तो इसका मतलब बेंजोइक एसिड बन जाएगा। आप हमेशा इस चीज का ध्यान रखना, यदि खुली श्रृंखला एल्कोहल का आपको दुर्बल आक्सीकारक इस पर प्रयोग करना है तो PCC प्रयोग कर सकते हो, और जो बंद श्रृंखला वाले एल्कोहल हैं या फिर कोई एल्काइल ग्रुप जुड़ा हुआ है उस एरोमेटिक रिंग के ऊपर, तो आप CrO3 दुर्बल आक्सीकारक की तरह प्रयोग कर सकते हो। ठीक है बेटे, इस चीज का थोड़ा सा ध्यान रखना है आपको। तो यहाँ भी आप प्रबल आक्सीकारक बिल्कुल भी प्रयोग नहीं करोगे। आप आ जाओ नंबर 4 पे। नंबर 4 पे देखते हैं। नंबर 4 पे इन्होंने दिया है इथेन नाइट्राइल से इथेनल, इथेनल, इथेन नाइट्राइल से इथेनल है या इथेनॉल है? इथेन नाइट्राइल से इथेनॉल है शायद। देखो, इथेन नाइट्राइल से इथेनॉल हमें बनाना है। तो इथेन नाइट्राइल है बेटे CH3 सिंगल बॉन्ड C ट्रिपल बॉन्ड N, इथेन नाइट्राइल। इथेन नाइट्राइल से हमें बनाना है, क्या बनाना है बेटे? इथेनॉल, CH3 CH2OH। तो इसके लिए हम प्रयोग करते हैं डाइबल एच। थोड़ा सा आपको याद करना पड़ेगा, DIBAL, डाइबल एच यहाँ अभिकर्मक हमें यूज करना पड़ेगा। इसका मतलब होता है डाई आइसोब्यूटाइल एल्यूमिनियम हाइड्राइड। डाई आइसोब्यूटाइल लिख सकते हो आप, डाई आइसो ब्यूटाइल एल्यूमिनियम, एल्यूमिनियम हाइड्राइड। ठीक है बेटे, तो हमें प्रयोग करना पड़ेगा डाइबल एच। आप बस सिर्फ डाइबल एच लिख कर आ जाओगे पेपर में तो बहुत होगा। अब आ जाते हैं हम नंबर 5 पर, देखेंगे ध्यान से बिल्कुल। नंबर 5 दिया है एलाइल एल्कोहल से प्रोपेनल। एलाइल एल्कोहल है, एलाइल एल्कोहल से क्या बनाना है? प्रोपेनल। एलाइल और विनाइल दोनों ग्रुप सिखाए थे आपको। देखो, एलाइल एल्कोहल बनाता हूं मैं, CH2 डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड CH2OH, ये है, ये क्या है? एलाइल एल्कोहल। और इससे बदलना है हमें 3 कार्बन वाले एल्डिहाइड में। प्रोपेनल कहा है ना इन्होंने, तो 1 कार्बन, 2 कार्बन, और अब तीसरे कार्बन पे बना दो CHO, ये होता है प्रोपेनल। तो इसमें भी आपको एक दुर्बल आक्सी कारक का ही प्रयोग करना पड़ेगा, और आप प्रयोग कर सकते हो PCC का। ठीक है, देखो यहाँ भी हमने कहीं यहाँ प्रयोग किया था। देखो, खुली श्रृंखला में एल्कोहल को एल्डिहाइड में बदलने के लिए PCC का प्रयोग करा था, और यहाँ भी आपका एल्कोहल किस में बदल रहा है? एल्डिहाइड, खुली श्रृंखला में। तो आपको ध्यान रखना है, खुली श्रृंखला में हमेशा किसका प्रयोग करना है? PCC का प्रयोग करना है। ये हो गया नंबर 5। नंबर 6 पे इन्होंने कहा है ब्यूट 2 इन से इथेनल। नंबर 6 यहां करा दूं ना बेटे? नंबर 6 ब्यूट 2 इन से बनाना है हमें इथेनल। देखो, ब्यूट 2 इन, 1 कार्बन, 2 कार्बन, 3 कार्बन, 4 कार्बन, ब्यूटीन है। देखो, 1 2 3 4 ब्यूटीन है, और दूसरे नंबर पे ही डबल बॉन्ड है, चाहे इधर से नंबरिंग कर दो या इधर से कर दो। आप इसके लिए सबसे पहले क्या करोगे, इसके ऊपर ओजोन का रिएक्शन करोगे। ठीक है, इस रिएक्शन को तो समझ जाओगे आप आसानी से। ओजोन का जब रिएक्शन करोगे, यही तो होगा बेटे, ये तो होगा CH3, ये होगा CH, और यहाँ भी CH, और यहाँ भी CH3। ये डबल बॉन्ड मैंने हटा दिया है क्योंकि 3 ऑक्सीजन में से 1 ऑक्सीजन को मैं ऊपर जोड़ूंगा,
और दो ऑक्सीजन को जोड़ूंगा नीचे, ये क्या बन गया? ओजोनाइड। क्या बनाए बेटे? ओजोनाइड। अब इस ओजोनाइड पे आप करोगे H2O का रिएक्शन, और H2O का रिएक्शन के साथ एक चीज ध्यान रखनी है, H2O का रिएक्शन मैंने आपको करना सिखा रखा है, साथ में आप एक काम कर सकते हो रिएक्शन का स्पीड अच्छा करने के लिए, जिंक का डस्ट यूज कर सकते हो, जिंक डस्ट, ठीक है, जिंक का पाउडर। क्या होता है, मैंने सिखाया था आपको, ये बॉन्ड टूट जाते हैं दो, कितने बॉन्ड टूटते हैं? एक तो ये वाला टूट गया, एक ये वाला, और ये वाला बॉन्ड भी टूट जाता है। तो ये H2O इस ऑक्सीजन को उठा के H2O2 बन के बाहर निकलेगा, और ये देखो CH3CHO, इतना हिस्सा कट के निकला है CH3CHO, और इधर से भी कट के निकला है CH3CHO, तो ये बन जाएंगे दो अणु CH3CHO के, ठीक है, यही तो बनाना था हमें। इथेनल, इथेनल एसीटल्डिहाइड का ही तो नाम होता है। तो इस तरीके से ये हमारा पहला उदाहरण कंप्लीट हो चुका है, जल्दी से आप स्क्रीनशॉट लो, फिर हम बात करेंगे उदाहरण नंबर दो की। ले लिया बेटे स्क्रीनशॉट? ठीक है, अब देखते हैं बेटे हम उदाहरण नंबर दो। उदाहरण दो को ध्यान से देखेंगे सब बच्चे। उदाहरण दो, निम्न को क्वथनांकों के बढ़ते क्रम में व्यवस्थित कीजिए। निम्नलिखित को क्वथनांकों के, निम्नलिखित को क्वथनांकों के बढ़ते क्रम में, व्यवस्थित बढ़ते क्रम में व्यवस्थित कीजिए। तो हमें क्या करना है, क्वथनांकों के बढ़ते हुए क्रम में व्यवस्थित करना है। सबसे पहले तो इन्होंने दिया है एक कार्बन, दो कार्बन, तीन कार्बन, और चौथे कार्बन पे है CHO, ठीक है बेटे। फिर दिया है इन्होंने चार कार्बन वाला एल्कोहल, एक, दो, तीन, और चौथे कार्बन पे जुड़ा हुआ है OH। फिर इन्होंने दिया है डाई इथाइल ईथर, यानी दो कार्बन तो इधर है, बीच में ओ है, और दो कार्बन इधर है, ठीक है बेटे। फिर दिया है इन्होंने चार कार्बन वाला एल्केन, यानी कि एक कार्बन, दो कार्बन, तीन कार्बन और चार कार्बन। अब इनका कहना है कि हमें क्वथनांकों के बढ़ते हुए क्रम में व्यवस्थित करना है। देखो बेटे इसका उत्तर यहां से लिखेंगे, हम यहां लिखेंगे इसका उत्तर, ठीक है। देखो मैं आपको बताता हूं, इन चारों में से सबसे कमजोर बंध पाया जाएगा ब्यूटेन के बीच में, नॉर्मल ब्यूटेन है ना, इसमें तो बेटे कमजोर वंडरवाल बॉन्ड होगा केवल, यानी ये ब्यूटेन है चार कार्बन वाला एल्केन ब्यूटेन, ब्यूटेन के अणुओं के बीच में तो बहुत कमजोर यानी दुर्बल वंडरवाल बल पाए जाते हैं, इसलिए इसका क्वथनांक क्या होता है, कम होता है। तो मैं सबसे पहले लिखूंगा ब्यूटेन को, देखो मैंने सबसे पहले लिखा है ब्यूटेन, ब्यूटेन का क्वथनांक सबसे कम होगा, और ब्यूटेन से ज्यादा क्वथनांक होगा इसका डाइथाइल ईथर का, क्यों होगा मैं अभी बताऊंगा आपको, C2H5O C2H5, और इससे ज्यादा क्वथनांक होगा एल्डिहाइड का, एक कार्बन, दो कार्बन, तीन कार्बन और चार कार्बन पे CHO, और सबसे ज्यादा होगा एल्कोहल का, एक, दो, तीन, चार। देखो इन सबके अणु भार लगभग एक जैसे हैं, आपको वैसे नॉर्मली एक बात पता है कि अणु भार बढ़ने के साथ साथ क्वथनांक बढ़ते हैं, ये तो पता है आपको कि अणु भार बढ़ने के साथ साथ क्वथनांक बढ़ते हैं। इनके अणु भार लगभग बराबर होंगे, जब आप कैलकुलेट करोगे 2 या 3 इकाई का अंतर आ सकता है, बस इससे ज्यादा नहीं अंतर आएगा। तो जब इनके अणु भार एक जैसे हैं तो क्वथनांक भी इनके एक जैसे होने चाहिए, पर हमने कहा है कि इसका क्वथनांक सबसे कम है ब्यूटेन का। क्यों है सबसे कम? क्योंकि इसके अणुओं के बीच में पाया जाता है दुर्बल
वंडरवाल, दुर्बल वंडरवाल बल, जो आपका ब्यूटेन है इसके अणुओं के बीच दुर्बल वंडरवाल बल पाया जाता है। ठीक है बेटे, अब इसमें कौन सा बल पाया जाता है? इसमें डाइपोल डाइपोल अट्रैक्शन होगा, इसमें भी डाइपोल डाइपोल अट्रैक्शन होगा, पर इसका डाइपोल डाइपोल अट्रैक्शन थोड़ा कम होगा, इसका ज्यादा होगा। तो मैं इसमें कहूंगा कि इसमें कमजोर यानी वीक या दुर्बल लिख दो, वीक डाइपोल डाइपोल अट्रैक्शन काम करेगा, डाइपोल डाइपोल अट्रैक्शन, दुर्बल द्विध्रुव द्विध्रुव आकर्षण बल। ठीक है बेटे, दुर्बल द्विध्रुव द्विध्रुव आकर्षण बल। ठीक है, और इसमें इसमें भी डाइपोल डाइपोल अट्रैक्शन करेगा, इसे मैं कहूंगा प्रबल। ठीक है, आप कह सकते हो स्ट्रॉन्ग डाइपोल डाइपोल अट्रैक्शन, द्विध्रुव द्विध्रुव आकर्षण, तो इसमें काम करता है, थोड़ा प्रबल है, इसके मुकाबले प्रबल है तो इसमें भी द्विध्रुव द्विध्रुव आकर्षण है, तो इसमें भी द्विध्रुव द्विध्रुव आकर्षण, पर इसका थोड़ा मजबूत है, इसका कम है। उसका रीजन ये है कि जो ईथर होता है वो कम ध्रुवीय होता है, ध्रुवीय तो होता है, और एल्डिहाइड थोड़ा अधिक ध्रुवीय होता है, इसलिए इसका डाइपोल डाइपोल अट्रैक्शन थोड़ा ज्यादा है। और इसमें जो है सबसे ज्यादा प्रबल या स्ट्रॉन्ग हाइड्रोजन बॉन्ड होगा। वैसे तो आपको पता है कि हाइड्रोजन बॉन्ड भी कमजोर ही होता है, पर हाइड्रोजन बॉन्ड इन तीनों बॉन्ड्स के मुकाबले प्रबल है, इसलिए मैंने वहां प्रबल शब्द का प्रयोग किया है। तो वहां स्ट्रॉन्ग हाइड्रोजन बॉन्ड है, इसलिए सबसे ज्यादा मजबूती से एल्कोहल के अणु जुड़े हुए होंगे, और जब एल्कोहल के अणु सबसे ज्यादा मजबूती से जुड़े हुए होंगे तो इसका मतलब इसी का ही क्वथनांक सबसे ज्यादा होगा। ठीक है बेटे, तो इस तरीके से आपको अटेम्प्ट करना है उदाहरण नंबर 2। अब आ जाते हैं हम उदाहरण नंबर 3 पर, देखते हैं उदाहरण नंबर 3 क्या दिया है एनसीईआरटी की बुक में। उदाहरण 3 दिया है, नाभिक रागी योगज अभिक्रिया में, नाभिक रागी यानी न्यूक्लियोफिलिक, योगज अभिक्रिया का मतलब एडिशन रिएक्शन, योगात्मक अभिक्रिया, नाभिक रागी योगज अभिक्रिया में बेंजल डिहाइड प्रोपेनल से कम अभिक्रियाशील होगा या अधिक? बेंजल डिहाइड किससे कह रहे, प्रोपेनल कह रहे ना, प्रोपेनल से कम अभिक्रियाशील होगा, कम प्रोपेनल से कम अभिक्रियाशील होगा या अधिक, कारण पूछा है इन्होंने, कारण बताओ। देखो मैं बताता हूं आपको, ठीक है, बहुत आसान है, यहां से हम डिस्कस करेंगे इसका आंसर, ध्यान से देखेंगे बेटे। एक तो बेंजल्डिहाइड है और एक प्रोपेनल है, तो बेंजल्डिहाइड और प्रोपेनल में दोनों ही ये जो है क्या है, इलेक्ट्रोफाइल हैं, यानी कि इलेक्ट्रॉन रागी हैं या इलेक्ट्रॉन स्नेही हैं। ठीक है, अब डिपेंड इस बात पर करता है कि ज्यादा ध्रुवीय कौन सा है। भाई बेंजल्डिहाइड ज्यादा ध्रुवीय होगा या प्रोपेनल, देखते हैं कौन अधिक ध्रुवीय होगा। देखो यदि आप बेंजल डिहाइड का स्ट्रक्चर बनाते हो तो एक बेंजीन रिंग आप बनाओगे इस तरीके से, ये बेंजीन रिंग बना दी हमने, और इस बेंजीन रिंग पे आपने जोड़ दिया CHO, देखो बेंजल डिहाइड बनाना है ना, तो जोड़ दिया CHO, ये जोड़ दिया बेंजल डिहाइड, और इस पे तीन बॉन्ड दिखा दो आप, एक बॉन्ड मान लो यहां दिखाया, एक बॉन्ड यहां दिखाया और एक बॉन्ड यहां, बेंजीन रिंग पे तीन आपने डबल बॉन्ड दिखा दिए। अब देखो एक बात बताता हूं आपको, ये जो आपका बेंजल डिहाइड है इसमें क्या होता है, ये जो पाई बॉन्ड है ना, ये जो पाई बॉन्ड है देख रहे हैं आप, पाई बॉन्ड, इस पाई बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन यहाँ शिफ्ट कर जाते हैं और यहाँ बन जाता है डबल बॉन्ड, यहाँ डबल बॉन्ड बनेगा, और ये जब यहाँ डबल बॉन्ड बन गया तो इस पाई
बॉन्ड की कोई आवश्यकता नहीं है, इस बॉन्ड के दोनों इलेक्ट्रॉन यहाँ शिफ्ट हो गए, यहाँ डबल बॉन्ड बना देंगे। और जब यहाँ डबल बॉन्ड बनेगा तो कार्बन कोई पांच संयोजकता थोड़ा ही दिखाएगा, तो क्या होगा बेटे, तो इस डबल बॉन्ड में से एक बॉन्ड के दोनों इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन एटम पर शिफ्ट कर जाएंगे, और जब शिफ्ट कर जाएंगे तो स्ट्रक्चर क्या बनेगा। देखो ये तो है आपका बेंजीन रिंग, ये बना दिया बेंजीन रिंग, और ये वाला बॉन्ड तो ज्यों का त्यों है, ये बना दिया बॉन्ड, ये वाला बॉन्ड यहाँ शिफ्ट कर गया, जब इलेक्ट्रॉन इधर शिफ्ट कर गए तो यहाँ कैसा चार्ज आ जाएगा, पॉजिटिव चार्ज, और यहाँ शिफ्ट कर गए ये बन गया बॉन्ड, और ये वाला बॉन्ड के दोनों इलेक्ट्रॉन यहाँ शिफ्ट कर गए तो यहाँ क्या बनेगा, डबल बॉन्ड बनेगा, ये कार्बन है, ये हाइड्रोजन ज्यों का त्यों है, और ये ऑक्सीजन है, और ऑक्सीजन के ऊपर आ चुका है नेगेटिव चार्ज, ठीक है, क्योंकि दो इलेक्ट्रॉन वहां पहुंच चुके हैं, ठीक है बेटे। अब क्या होगा, देखो अब होता क्या है कि ये जो दो इलेक्ट्रॉन वहां गए हैं वे दोनों इलेक्ट्रॉन फिर वापस आ सकते हैं यहाँ, यहाँ वापस आए तो यहाँ डबल बॉन्ड बन जाएगा, और जब यहाँ डबल बॉन्ड बन जाएगा तो इस वाले डबल बॉन्ड में से जो पाई बॉन्ड यहाँ बना था उस पाई बॉन्ड के दोनों इलेक्ट्रॉन यहाँ दोबारे आ जाएंगे और यहाँ बॉन्ड बना लेंगे इस तरह का, और ये वाला जो बॉन्ड है वो फिर दोबारे यहाँ शिफ्ट हो जाएगा। तो इसका मतलब ये है, हमें एक बात समझ में आती है, देख लो आप ध्यान से, कि ये दोनों संरचनाएं एक दूसरे में बदलती रहती हैं, यानी बेंजल्डिहाइड, देखो बेंजीन रिंग के ऊपर CHO है, बेंजल्डिहाइड ही तो है, बेंजल्डिहाइड दिखाता है अनुनाद, और अनुनाद के कारण क्या होता है, सुनो देखो इस वाली अनुनादी संरचना में पता चल रहा है माइनस प्लस, यानी कि दो ध्रुव उत्पन्न हो रहे हैं, धन ध्रुव और ऋण ध्रुव, पर यदि आप इस संरचना की बात करो तो इस संरचना में तो आपको प्लस और माइनस यानी ध्रुवीय प्रकृति स्पष्ट रूप से नजर आ ही नहीं रही है। इससे हमें पता चला है, भाई मैंने आपको थोड़ी देर पहले यूं कहा था कि बेंजल्डिहाइड और प्रोपेनल ये दोनों क्या हैं, इलेक्ट्रोफाइल हैं, इलेक्ट्रॉन स्नेही हैं, और इनमें से नाभिक रागी योगज अभिक्रिया में अच्छा पार्टिसिपेट वो करेगा जिसकी ध्रुवीयता ज्यादा होगी, ठीक है। अब इसकी ध्रुवीयता की बात करूं तो इसमें बेंजल्डिहाइड में तो अनुनाद देखने को मिल रहा है, अनुनाद देखने को मिल रहा है किसके कारण, बेंजीन रिंग के कारण, और जब इसमें आपको अनुनाद देखने को मिल रहा है तो इसका मतलब ये है कि इसकी ध्रुवीयता जितनी होनी चाहिए, इसकी पोलैरिटी जितनी होनी चाहिए उससे कम है, यानी कि इसकी ध्रुवीयता क्या हो जाती है, कम हो जाती है, और जब इसकी ध्रुवीयता कम हो जाती है, इसके ऊपर उपस्थित जो CHO ग्रुप है उसकी ध्रुवीयता जब कम हो जाती है तो इसलिए वो नाभिक रागी योगज अभिक्रिया में बढ़िया पार्टिसिपेट नहीं करता है, प्रोपेनल में अनुनाद नहीं देखने को मिलता है, इसलिए प्रोपेनल क्या है, ज्यादा ध्रुवीय है, अधिक ध्रुवीय है, इसलिए बहुत अच्छा इलेक्ट्रोफाइल की तरह बिहेव करेगा, और जब बहुत अच्छे इलेक्ट्रोफाइल की तरह बिहेव करेगा तो इसका मतलब न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन में बहुत अच्छे तरीके से पार्टिसिपेट करेगा। तो इन दोनों में यदि कोई मेरे से पूछता है तो मैं कहूंगा कि बेंजल्डिहाइड अनुनाद दिखाता है, और अनुनाद दिखाने के कारण इसका जो एल्डिहाइड ग्रुप है उसकी ध्रुवता क्या हो जाती है, कम हो जाती है, इसलिए यह कम अभिक्रियाशील होता है, ठीक है। तो हम लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं बेटे, बेंजल्डिहाइड ही तो बनाया ही हमने, बेंजल्डिहाइड में अनुनाद के कारण, बेंजल्डिहाइड में अनुनाद के कारण ये जो इसका CHO ग्रुप है, देख रहे हैं ना CHO, ये CHO ग्रुप की ध्रुवता कम हो जाती है, CHO ग्रुप की ध्रुवता क्या हो जाती है बेटे, कम हो जाती है, इसलिए यह इस अभिक्रिया में यानी न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन नाभिक स्नेही योगज अभिक्रिया में, इस अभिक्रिया में कम क्रियाशील होता है,
इस अभिक्रिया में कम क्रियाशील होता है। ठीक है बेटे, क्या होता है? कम क्रियाशील होता है, जबकि दूसरा क्या था? प्रोपेनल, प्रोपेनल में ऐसा नए होने के कारण वह अधिक क्रियाशील होता है, वह अधिक क्रियाशील होता है। ठीक है बेटे, तो ये हुआ हमारा उदाहरण नंबर 3। अब आप जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लो, उदाहरण 4 पे आए हैं हम। ले लिया बेटे स्क्रीनशॉट? ठीक है बेटे, उदाहरण नंबर 4 को बिल्कुल ध्यान से देखेंगे सब बच्चे, थोड़ा सा मुश्किल लगेगा आपको। ठीक है, उदाहरण 4 लिखते हैं, उदाहरण 4 बिल्कुल समझ समझ के क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। उदाहरण 4 में इन्होंने दिया है, एक कार्बनिक यौगिक ए जिसका आणविक सूत्र, एक कार्बनिक यौगिक ए जिसका आणविक को मैं लिखता हूं अणु सूत्र, एक ही तो बात है बेटे, जिसका अणु सूत्र क्या दे रखा है? C8H8O है, C8H8O है। ठीक है, 2,4-डाइनाइट्रोफिनाइल हाइड्रेजीन, 2,4-डाइनाइट्रो फिनाइल हाइड्रेजीन। टू फोर डाई नाइट्रो फिनाइल हाइड्रेजीन के साथ नारंगी लाल अवक्षेप प्रदान करता है, के साथ नारंगी लाल अवक्षेप प्रदान करता है। इसका मतलब पता क्या है बेटे? इसका मतलब ये है कि जो भी यौगिक है, ये C8H8O जिसका अणु सूत्र ये है, ये कोई या तो एल्डिहाइड होगा या फिर ये कीटोन होगा, या तो ये एल्डिहाइड है या फिर क्या है, कीटोन है, ये बात पता चल रही है मुझे। और NaOH की उपस्थिति में I2 के साथ गर्म करने पर, और NaOH की उपस्थिति में, NaOH की उपस्थिति में I2 के साथ गर्म करने पर, ये तो आयडो फॉर्म टेस्ट है, I2 के साथ गर्म करने पर, NaOH की उपस्थिति में I2 के साथ गर्म करने पर एक पीले रंग का अवक्षेप बनाता है, एक पीले रंग का अवक्षेप बनाता है। इसका मतलब पता क्या है? मतलब यह है कि जो भी कोई एल्डिहाइड या कीटोन होगा, वो मिथाइल ग्रुप उसमें जरूर होगा, CH3। ठीक है, क्योंकि आयडो फॉर्म टेस्ट दे रहा है ना बेटे भाई, NaOH और I2 के साथ जब हम रिएक्शन करते हैं तो आयडो फॉर्म परीक्षण ही तो होता है, या आयडो फॉर्म रिएक्शन। यह यौगिक टॉलेन अभिकर्मक अथवा फेलिंग विलयन को अपचयित नहीं करता, यह यौगिक, इसका मतलब ये कीटोन ही है, एल्डिहाइड तो हो नहीं सकता है, क्योंकि जब मैं टॉलेन अभिकर्मक और फेलिंग विलयन पढ़ा रहा था, दोनों वीक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट हैं, दुर्बल ऑक्सीकारक हैं,
एल्डिहाइड तो इनके साथ रिएक्शन कर लेता है पर कीटोन नहीं करता है, ये बात मैंने आपको वहां सिखाई थी। इसका मतलब इन्होंने कहा है कि यह यौगिक टोलेन अभिकर्मक, यह यौगिक टोलेन अभिकर्मक अथवा फिहीलिंग विलयन, टॉलेन अभिकर्मक अथवा फिहीलिंग विलयन को अपचयित नहीं करता। इसका मतलब एल्डिहाइड नहीं है, कीटोन है बेटे, अपचयित नहीं करता। और भी दे रखा है, और क्या कहा है देखते हैं। और न ही यह ब्रोमीन जल अथवा बेयर अभिकर्मक को वर्ण विहीन करता है, और न ही यह, इसका मतलब पता क्या है, न ही यह ब्रोमीन जल वे बेयर रिएजेंट, बेयर अभिकर्मक को रंगहीन कह दो या वर्णहीन कह दो, एक ही बात है। इसका मतलब है ये एरोमेटिक है कोई कंपाउंड, एलिफेटिक नहीं है बिल्कुल भी। कैसा है? एरोमेटिक यानी बेंजीन रिंग होगा इसके अंदर। और नए यह ब्रोमीन जल वे बेयर अभिकर्मक को वर्णहीन करता है, ठीक है। अब कह रहे हैं यह क्रोमिक अम्ल द्वारा प्रबल आक्सी कारक से, यह क्रोमिक अम्ल द्वारा, यह क्रोमिक अम्ल द्वारा प्रबल आक्सी कारक से, प्रबल आक्सी कारक से क्या करता है? एक कार्बोक्सिलिक एसिड बी बनाता है, एक कार्बोक्सिलिक एसिड बी बनाता है, ठीक है, जिसका सूत्र C7H6O2 है, जिसका सूत्र C7H6O2 है। ये भी कोई एरोमेटिक कंपाउंड होगा क्योंकि एलिफेटिक तो होने का ही नहीं है, साफ पता चल गया, क्योंकि ब्रोमीन जल और बेयर अभिकर्मक से कोई रिएक्शन नहीं दिखाता है, इसलिए रंगहीन उसे नहीं कर पाता है। यौगिक ए व बी को पहचानिए, इन्होंने कहा है यौगिक ए व बी को पहचानिए। हमें यौगिक ए व बी की पहचान करनी है बेटे, ठीक है, यौगिक ए व बी की क्या करनी है, पहचान। अब देखो मैं आपको एक बात बताता हूं, बिल्कुल ध्यान से समझनी है आपको। सबसे पहली बात, इन्होंने कहा है कि जो यौगिक ए है वो 2,4-DNP से क्रिया करता है क्रिया, जिसमें उसने अवक्षेप दिया था, कैसे रंग का, पीले रंग का अवक्षेप दिया था। देखो 2,4-DNP, डाई नाइट्रो फिनाइल को मैं डीएनपी बोल रहा हूं, 2,4-DNP हाइड्रेजीन के साथ नारंगी लाल अवक्षेप प्रदान करता है, तो इसका मतलब उससे क्रिया करता है, इसका मतलब या तो वो एल्डिहाइड है या तो कीटोन है। तो मैं यहां से उत्तर लिख रहा हूं, बिल्कुल ध्यान से समझेंगे सब बच्चे, बिल्कुल। देखो सबसे पहली बात हमें देखने को यहाँ मिली है कि जो यौगिक ए है वो
2 4 डी एन पी डाई नाइट्रो फिनाइल हाइड्रेजीन डी एन पी एच ठीक है से क्रिया करता और इसका कोई डेरिवेटिव ही तो बनाएगा, क्रिया करता है तो मैं कहूंगा इसलिए, क्रिया करता है इसलिए या तो वो कोई एल्डिहाइड है या कीटोन है, इसलिए ए की जगह वह लिखूं, वह कोई एल्डिहाइड या कीटोन है। समझ में आती है बात, मतलब उन्होंने कहा है कि वो 2,4-DNPH से क्रिया करके अवक्षेप दे रहा नारंगी लाल रंग का, इसका मतलब ऐसा तो सिर्फ एल्डिहाइड या कीटोन ही करता है, सबसे पहली बात। दूसरी बात एक समझ में आई है कि टॉलेंस अभिकर्मक वे फेलिंग विलयन को अपचयित नहीं करता। अभी देखो ये लिखा हुआ, ये लिखा हुआ है टॉलेन अभिकर्मक अथवा फेलिंग विलयन को अपचयित नहीं करता, इससे क्या समझ में आया है? टॉलेन अभिकर्मक वे फेलिंग विलयन को अपचयित नहीं करता, तो इससे क्या पता चला है? इससे पता चला है कि वो एल्डिहाइड तो हो ही नहीं सकता, एल्डिहाइड तो कर लेते हैं इंटर रिएक्शन, इसलिए वह क्या है, वह कीटोन है, एल्डिहाइड तो कर लेता है फेलिंग विलयन से क्रिया, और टॉलेन अभिकर्मक से भी ये बात सिखाई थी मैंने आपको, ठीक है, इसलिए हमें पहले से तो पता चला कि हाँ वो या तो कोई एल्डिहाइड है या तो कोई कीटोन है। दूसरे से पता चला कि टॉलेन अभिकर्मक से जब क्रिया नहीं करता तो इसका मतलब वो एल्डिहाइड तो हो ही नहीं सकता, वो कीटोन है। तीसरी बात देखते हैं क्या समझ में आती है। तीसरी बात हमारे समझ में आती है कि वो आयडोफॉर्म परीक्षण देता है, आयडोफॉर्म परीक्षण या टेस्ट देता है। बेटे आइडोफॉर्म टेस्ट दिया ना उसने, NaOH और I2 से क्रिया करके पीला अवक्षेप बनाया, तो मैं कहूंगा इसलिए वह कोई मिथाइल वाला कीटोन है। भाई पहले तो कहते हैं एल्डिहाइड या कीटोन हो सकता है, फिर आएगी कीटोन ही है, और जब वो आपका आइडोफॉर्म टेस्ट दे रहा है तो वह कौन सा कीटोन, मिथाइल कीटोन, उसमें मिथाइल ग्रुप जरूर होगा, मिथाइल ग्रुप जरूर होगा उसमें, ठीक है, क्या है वो, मिथाइल कीटोन है। अच्छा एक बात और समझ में आई थी हमारे यहाँ जब हम क्वेश्चन लिख रहे थे कि ब्रोमीन जल व बेयर अभिकर्मक को वर्ण विहीन नहीं करता, इसलिए ब्रोमीन जल वे बेयर अभिकर्मक को रंगहीन नहीं करता, इसलिए वो कैसा है, वो एरोमेटिक कीटोन है, ठीक है, कैसा कीटोन है, एरोमेटिक है, एल्डिहाइड कीटोन में से कीटोन पे आगे फिर मिथाइल कीटोन पे आगे, इसलिए क्या है, एरोमेटिक मिथाइल कीटोन, एरोमेटिक मिथाइल कीटोन है, यानी एरोमेटिक ग्रुप भी है उसके ऊपर, और एरोमेटिक होने के साथ साथ उस पे मिथाइल ग्रुप भी है और कीटोन भी है। अब हमें समझ में आई है इन सारी बातें, ठीक है बेटे, तो इससे हमें क्या पता चला है, देखो अब हम बात करते हैं, सबसे पहली हमें पता चला है कि वो एरोमेटिक है, ये बना दिया मैंने एरोमेटिक रिंग, वो एरोमेटिक है, ठीक है, और हमें पता चला है कि वो कीटोन है, ये बना दिया सी डबल बॉन्ड ओ, कीटोन है, और उसमें मिथाइल ग्रुप भी है तो ये बना दिया CH3, तो ये है वो कंपाउंड हमारा,
जिसे लिखा है C8H8O, हमने लिखा है C8H8O, ये है वो कंपाउंड जिसे हमने ए कहा है। आप लिख सकते हो क्या है ये, ए ए की पहचान होगी। इन्होंने कहा है था 2,4-डाइनाइट्रोफिनाइल हाइड्रेजीन से क्रिया करनी है इसे। देखो सिद्ध करते हैं 2,4-डाइनाइट्रोफिनाइल हाइड्रेजीन, देखो ध्यान से देखियो बिल्कुल, ये हाइड्रोजीन NH2 ही तो होता है, सिखाया था मैंने आपको, और ये अटैच है यहाँ बेंजीन रिंग पे इस तरीके से, और NO2 है पहला, दूसरा 2, तीसरा चौथा और 4। देखो 2,4-डाइनाइट्रो और फिनाइल और हाइड्रोजीन, ठीक है ना, ये है 2,4-डाइनाइट्रोफिनाइल हाइड्रेजीन, ये है। जब ये रिएक्शन करेगा तो क्या बनेगा बेटे, रिएक्शन करने पे यहां से ओ और यहां से एच ही तो निकलेगा, इधर से H2O ही तो निकलेगा इस तरीके से, और H2O जब निकलेगा तो क्या बनेगा प्रोडक्ट देखना जरा, ये हमने H2O निकाल दिया, जो प्रोडक्ट बनेगा इस कार्बन और इस नाइट्रोजन के बीच में डबल बॉन्ड आ जाएगा, ये है वो अवक्षेप नारंगी लाल रंग का, ये बेंजीन रिंग है और यहाँ कार्बन है, ऊपर इसके CH3 जुड़ा है और यहाँ डबल बॉन्ड N, ये डबल बॉन्ड N, फिर सिंगल बॉन्ड NH और फिर ये बेंजीन रिंग, और बेंजीन रिंग के टॉप पे NO2 और यहाँ भी NO2, ये है अवक्षेप जो कहा था कि 2,4-DNPH का क्या बना है डेरिवेटिव, ये बना है नारंगी लाल अवक्षेप, नारंगी लाल अवक्षेप, अवक्षेप को आप प्रेसिपिटेट कह सकते हो ना। तो ये बताया था इन्होंने कि वो 2,4-DNPH के साथ क्रिया करके नारंगी लाल रंग का क्या बनाता है, अवक्षेप बनाता है। फिर कहा था आइडोफॉर्म टेस्ट के बारे में इन्होंने, तो देखो आइडोफॉर्म टेस्ट कैसे करेगा ये है हमारे पास बेंजीन रिंग, बिल्कुल ध्यान से देखेंगे सब बच्चे, और इसके ऊपर जुड़ा है CO CH3, देखो भाई आइडोफॉर्म टेस्ट तो वही दिखाएगा जिसके पास CH3 होगा, और इसके ऊपर इन्होंने कहा था कि वो NaOH के साथ रिएक्शन करता है और I2 के साथ, तो NaOH और I2 के साथ जब हम रिएक्शन करते हैं तो आइडोफॉर्म टेस्ट होता है, आपको पता है इसके NaO से ये रिप्लेस हो जाएगा, ये इसे रिप्लेस कर देगा, तो यहाँ क्या बन जाएगा C double O, एक तो O ये है, एक O ये है Na, तो बेंजीन रिंग जो है इसके ऊपर आ जाएगा यहाँ C double O Na, ठीक है, सोडियम बेंजोएट बनेगा, और ये सोडियम बेंजोएट का ही होता है पीला अवक्षेप। तो आयडोफॉर्म टेस्ट से हमें यू पता चला था कि वो जो कीटोन है ना उस कीटोन के ऊपर मिथाइल ग्रुप जरूर होगा, ये पता चला था आयडोफॉर्म टेस्ट से, ठीक है बेटे। तो यहां से भी प्रूफ मिलता है कि ए का मतलब क्या है, ए का मतलब है बेंजीन रिंग के ऊपर COCH3, मतलब एसीटोफिनोन, तो ए हमारा एसीटोफिनोन है, आप लिख सकते हो एसीटो फिनोन, ए हमारा क्या है एसीटोफिनोन। फिर इन्होंने कहा था कि ये यौगिक क्या करता है, एक सेंटेंस लिखा था इन्होंने, ये लिखा था यह क्रोमिक अम्ल द्वारा प्रबल आक्सीकारक से एक कार्बोक्सिलिक एसिड बी बनाता है। अब बी की पहचान हमें करनी है, यहां लिख दूं बेटे रिएक्शन, बी की पहचान के लिए किससे रिएक्शन करेगा ये करेगा किससे कहा था इन्होंने, क्रोमिक अम्ल के द्वारा, क्रोमिक अम्ल, तो क्रोमिक अम्ल से रिएक्शन इसकी करा देंगे, ये है सीधा लिखता हूँ COCH3, एसिटोफिनोन है पता चल गया ना, इसकी क्रोमिक अम्ल से जब आप रिएक्शन कराओगे H2CrO4, ये है, इससे जब रिएक्शन कराओगे तो ये एक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट ही तो है, तो क्या हो जाएगा बेंजीन रिंग और इसके ऊपर आ जाएगा यहाँ COOH,
क्या कहा था इन्होंने, प्रबल आक्सी कारक से कार्बोक्सिलिक एसिड बी बनाता है। तो बी ये है आपका बी, क्या है बताओ ये। ये तो सबको पता है बेंजोइक एसिड है, और इसका अणु सूत्र इन्होंने दिया था C7H6O2। आप देख सकते हो C6H7O2, ठीक है, C7H6O2 ही आएगा, C7H6O2 दिया था ना, देखो C7H6O2, तो यही आएगा। तो हमें ए और बी की पहचान हो गई है कि किस तरह हमने ए और बी की पहचान की है। ए क्या आया है हमारा, ए तो एसिटोफिनोन है, आप नीचे लिख सकते हो। नीचे कैसे लिख सकते हो देखो मैं बताता हूँ, आप लिख सकते हो कि ए क्या है, ए तो है एसिटोफिनोन, ठीक है, और बी क्या है, बी है बेंजोइक एसिड, क्या है बेटे, बेंजोइक एसिड। इस तरीके से पहचान कर सकते हो आप। अच्छा आप जल्दी से स्क्रीनशॉट लो, अगला क्वेश्चन देखते हैं। ले लिया बेटे स्क्रीनशॉट, ठीक है। अब देखते हैं बेटे हम उदाहरण नंबर 5, उदाहरण नंबर 5 ध्यान से देखेंगे। निम्न की रासायनिक अभिक्रियाएं लिखिए, निम्नलिखित के लिए रासायनिक अभिक्रियाएं लिखिए, रासायनिक अभिक्रियाएं लिखनी है हमें। नंबर 1 सबसे पहले इन्होंने दिया है, नंबर 1 पे ब्यूटेन 1 ऑल से ब्यूटेनोइक एसिड, ब्यूटेन 1 ऑल से ब्यूटेनोइक एसिड, तो हमें बनाना है ब्यूटेन 1 ऑल से ब्यूटेनोइक एसिड। देखो ब्यूटेन 1 ऑल, 1 कार्बन, 2 कार्बन, 3 कार्बन, 4 कार्बन और चौथे कार्बन पे ओ एच, यही तो है ब्यूटेन 1 ऑल। इससे बताना है ब्यूटेनोइक एसिड, यानी इसका करना है, क्या करना है बताओ, इसका करना है ऑक्सीडेशन। तो इसका यदि आपको ऑक्सीकरण करना है तो आप प्रयोग कर सकते हो CrO3 और H2SO4 का, जिसे हम कहते हैं जोन्स अभिकर्मक, ध्यान रखना जोन्स अभिकर्मक कहते हैं इसे, ठीक है। तो जब यहाँ रिएक्शन होगी तो आपका ये जो CH2OH ग्रुप है, आपको पता है ये पहले एल्डिहाइड में बदलेगा, और एल्डिहाइड से क्या बनेगा, कार्बोक्सिलिक एसिड। तो आप एक ही स्टेप में दिखा दोगे कि ये CH2OH COOH में कन्वर्ट हो गया है CH3, 1 2 3, 1 2 3, और यहां दिखा देंगे हम COOH। देखो ब्यूटेनोइक एसिड बन गया ना। तो आप ध्यान रखेंगे हमें एक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट प्रयोग करना है यहाँ। तो हमने यहाँ प्रयोग कर लिया है CrO3 और H2SO4 का मिक्सचर। नंबर 2 पे देखते हैं क्या है बेटे, नंबर 2 पे है बेंजाइल एल्कोहल से फिनाइल इथेनोइक एसिड, बेंजाइल एल्कोहल, बेंजाइल एल्कोहल से फिनाइल इथेनोइक एसिड, फिनाइल इथेनोइक एसिड, बेंजाइल एल्कोहल से फिनाइल इथेनोइक एसिड बनाना है। बहुत आसान है, देखो ये हमारे पास बेंजीन रिंग है और बेंजीन रिंग के ऊपर है CH2OH, इसे ही तो कहते हैं बेंजाइल एल्कोहल। यदि इसके ऊपर आपने रिएक्शन करा दिया है HBr का, हाइड्रोजन ब्रोमाइड का, तो आपको पता है H2O निकल जाएगा ही, ये क्या निकल गया H2O, और मेन प्रोडक्ट आएगा बेंजीन रिंग, बेंजाइल ब्रोमाइड, क्या बन गया, बेंजाइल ब्रोमाइड।
यदि इस बेंजाइल ब्रोमाइड के ऊपर आप KCN का रिएक्शन करा दोगे ना, KCN का, तो इस बार क्या निकलेगा? KBr, मेन प्रोडक्ट आएगा बेंजीन रिंग के ऊपर, CH2CN, बेंजाइल साइनाइड। क्या बना है? बेंजाइल साइनाइड। अब आप इस बेंजाइल साइनाइड का यदि अपघटन कर दोगे, जल अपघटन, देखो ध्यान से देखना, इसका हम जल अपघटन करेंगे, ट्रिपल बॉन्ड होता है ना यहाँ, यदि आप इसका जल अपघटन करोगे तो क्या होता है, यहाँ से बॉन्ड टूटता है, इधर ओ और इधर दोनों एच, ये बनता है बेंजीन रिंग, और टॉप पे क्या है, CH2, ये बेंजाइल ग्रुप हो गया, और CONH2। यदि इसका फिर दोबारा से आप जल अपघटन कर देते हो तो ये बॉन्ड टूटता है, यहाँ एच और यहाँ OH, NH3 गैस निकलती है बाहर, और मेन प्रोडक्ट आ जाता है आपका बेंजीन रिंग, और बेंजीन रिंग के टॉप पे CH2, ये बेंजाइल है, और COOH। बताओ कार्बोक्सिलिक एसिड बना है? नहीं, ये है फिनाइल इथेनोइक एसिड। क्या है बेटे? फिनाइल इथेनोइक एसिड। ठीक है बेटे, अब आ जाते हैं नंबर 3 पर, देखते हैं नंबर 3 क्या है। ठीक है बेटे, ये तो फिनाइल इथेनोइक एसिड ही तो बनाना था, बेंजीन रिंग CH2COOH। अब आ जाते हैं नंबर 3 पर, 3-नाइट्रो-ब्रोमो-बेंजीन से 3-नाइट्रो-ब्रोमो-बेंजीन से 3-नाइट्रो-ब्रोमो-बेंजीन से क्या बनाना है? 3-नाइट्रो-बेंजोइक एसिड, 3-नाइट्रो-बेंजोइक एसिड, ये बनाना है बेटे। ठीक है, बहुत आसान है, एकदम समझ में आ जाएगा। 3-नाइट्रो-ब्रोमो-बेंजीन, यानी ये तो ब्रोमो-बेंजीन है, ऐसा ही तो होता है ब्रोमो-बेंजीन, और 1, 2, 3, 3 पे है नाइट्रो ग्रुप, ये है 3-नाइट्रो-ब्रोमो-बेंजीन। इसके ऊपर आप मैग्नीशियम का रिएक्शन करा दो ईथर की प्रेजेंस में, तो मैग्नीशियम की संयोजकता 2 है, बेंजीन रिंग और बीआर के बीच में आ जाएगा मैग्नीशियम, ये बेंजीन रिंग है, यहाँ NO2 जुड़ा हुआ है पहले से ही, यहाँ Mg आ जाएगा बीआर और बेंजीन रिंग के बीच में, आ गया। ठीक है, ये एक तरह का ग्रिगनार्ड अभिकर्मक बन गया है। यदि इसके ऊपर आप CO2 का रिएक्शन कराते हो, ये रिएक्शन सिखा रखी है मैंने पहले से भी, तो COO इसके बीच में आ जाएगा, बेंजीन रिंग COOMgBr, बेंजीन रिंग, यहाँ तो NO2 को जोड़ के रखो, COOMgBr, इस तरह का योगात्मक यौगिक बनेगा, ग्रिगनार्ड से ये बन जाएगा। अब आप इसका जल अपघटन कर दो, आपको बताए यदि आप इसका जल अपघटन करोगे, H3O पॉजिटिव लिख दूं या H2O/H पॉजिटिव लिख सकते हो, ये बॉन्ड टूट जाएगा, यहाँ H और यहाँ OH, साइड प्रोडक्ट MgOHBr, और मेन प्रोडक्ट बेंजीन रिंग, और बेंजीन रिंग के टॉप पे जुड़ेगा COOH, ये बन गया बेंजोइक एसिड, और यहाँ तीसरे नंबर पे नाइट्रो है, तो यही तो है 3-नाइट्रो-बेंजोइक एसिड, 1, 2, 3, 3 पे नाइट्रो है बेंजोइक एसिड के, तो ये है तीसरा कन्वर्जन। अब आ जाते हैं हम नंबर 4 पर, नंबर 4 देखते हैं क्या कहा है इन्होंने। नंबर 4 का है 4-मिथाइल-एसीटोफिनोन से 4-मिथाइल-एसीटोफिनोन, 4-मिथाइल-एसीटोफिनोन से क्या बनाना है बेटे? बेंजीन 1,4-डाईकार्बोक्सिलिक एसिड, बेंजीन 1,4-डाईकार्बोक्सिलिक एसिड, बहुत आसान है, एकदम बन जाएगा, देखो आप ध्यान से, इन्होंने कहा है 4-मिथाइल-एसीटोफिनोन, देखो एसीटोफिनोन ऐसा ही तो होता है, ये एसीटोफिनोन है, 1, 2, 3, 4, 4 पे जुड़ा हुआ है मिथाइल, ये हो गया 4-मिथाइल-एसीटोफिनोन, इससे बनाना है डाई कार्बोक्सिलिक एसिड। आप एक काम करो, इसका रिएक्शन करा दो KMnO4
और KMnO4 होना चाहिए, हम क्षारीय ले लो, KOH स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, इसका ऑक्सीडेशन कर देगा, और दोनों के ऑक्सीडेशन से यहाँ भी क्या बनेगा, COOK, और यहाँ भी COOK। अब हमें तो डाई कार्बोक्सिलिक एसिड चाहिए, 1 और 4 पे, ये तो डाई कार्बोक्सिलिक एसिड के पोटेशियम साल्ट है, तो आप इसका H2SO4 से जल अपघटन कर दो ना, डाइल्यूट H2SO4 ले, क्या हो जाएगा, ये दोनों के किस में कन्वर्ट हो जाएंगे, एच में, ये बन गया आपका लो बेंजीन के ऊपर पहले नंबर पे और चौथे नंबर पे कार्बोक्सिलिक एसिड आ गए, बेंजीन के ऊपर पहले और चौथे पे दो कार्बोक्सिलिक एसिड आ गए, देखो 1 2 3 4, यही तो बैठेगा, तो इस तरीके से रिएक्शन करनी है हमें, ठीक है बेटे। अब आ चुके हैं हम नंबर 5 पर, नंबर 5 देखते हैं क्या है, साइक्लोहेक्सीन से हेक्स 1,6-डाईओइक एसिड, साइक्लोहेक्सीन से क्या बनाना है, हेक्स 1,6-डाईओइक एसिड, हेक्स 1,6-डाईओइक एसिड ये बनाना है, बहुत आसानी से बन जाएगा, देखो ये है हमारे पास साइक्लोहेक्सीन, हो गया साइक्लोहेक्सीन, बस आपको स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट से इसका ऑक्सीडेशन मारना है, KMnO4 ले रखा हमने और अम्लीय ले रखा है H2SO4, अम्लीय KMnO4, इसकी उपस्थिति में जैसे ही गर्म करोगे तो क्या हो जाएगा, देखो यहाँ भी COOH आ जाएगा और यहाँ भी COOH, 1 2 3 4 5 6, पहले और छठे नंबर पे 6 कार्बन है, हेक्स पहले और छठे नंबर पे डाईओइक एसिड, 2 ओइक एसिड है, और आपने इसका नाम पढ़ा होगा एडीपी एसिड, ही तो है इसका नाम भाई, हेक्स 1,6-डाईओइक एसिड के साथ आप इसे एडीपिक एसिड भी तो कहते हो, सामान्य नाम इसका क्या है, एडीपिक एसिड, ठीक है बेटे। अच्छा नंबर 6 पे दे रखा है ब्यूटेनल से ब्यूटेनोइक एसिड, कहाँ लिखूं, यहां लिख दो बेटे, नंबर क्या है, 6, क्या है बेटे, ब्यूटेनल से ब्यूटेनोइक एसिड, ब्यूटेनल से ब्यूटेनोइक एसिड, ब्यूटेनल से ब्यूटेनोइक एसिड बनाना है, ठीक है, तो सिखा रखा है तो रिएक्शन आपको, ब्यूटेनल 1, 2, 3 और 4 नंबर पे CHO, आप इसका एरो का निशान सामने लगाना, मेरे पास तो जगह ही नहीं है यहाँ बोर्ड में, आप एक टॉलेन अभिकर्मक से क्रिया करा दो इसकी, किससे, टॉलेन अभिकर्मक से, तो CHO ग्रुप COOH में कन्वर्ट हो जाएगा, CH3, क्या बनाना है, ब्यूटेनोइक एसिड, बताओ, टॉलेन रिएजेंट से तो रिएक्शन सिखा रखी है आपको, ठीक है बेटे, तो इस तरीके से रिएक्शन आपको करनी है पूरी, और हमारे एग्जाम्पल हो जाते हैं कंप्लीट। अब हमारे देश के प्यारे प्यारे बच्चे जल्दी से स्क्रीनशॉट लेंगे, ले लिया बेटे स्क्रीनशॉट, ठीक है, तो बेटे मुझे उम्मीद है कि आज के जो NCERT के हमारे यूनिट नंबर 12 के एग्जाम्पल थे, उदाहरण थे, वे आपके समझ में आए होंगे, कल हम करेंगे यूनिट नंबर 12 के NCERT के पाठ्य निहित प्रश्न, ठीक है बेटे, बस मेहनत करते रहो और शॉर्टकट किसी को नहीं लेना है बिल्कुल भी, थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, ओके बाय।